हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग्स। एंड गाइज, आज जो ये ब्लॉग है ना, ये कोई ब्लॉग नहीं है, एक ही रिव्यू है। सो कि आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। एंड गाइज, मैं बता दूँ कि इसके लिए ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड बहुत वेट किया है यार, क्योंकि यार DSLR लेने के बाद भी मैं वैसे ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था जैसे करना चाहिए। और बहुत जगह पर आपको पता है कि DSLR से ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, कैमरा यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर, जैसे कोई भी सरकारी चीज़ हुई है या कोई ऐसी चीज जगह जहाँ पे मोबाइल से तो आप वीडियो शूट करते हो बट DSLR से नहीं। तो इस चक्कर में मैंने कुछ सोचा था एंड वो फाइनली अभी आ गया है और मैं अभी आपको उसके बारे में अच्छे से रिव्यू दूंगा, बताऊंगा क्या है वो। तो चलो चलते हैं एंड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है वो चीज़ जिसका मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था। सो माई न्यू फ़ोन Realme 9 Pro Plus, जिसका कैमरा अमेजिंग है, अमेजिंग। सो मैं इसका अभी आपको ऊपर का ओपनली डब्बा दिखा रहा हूँ इसका। तो देखो डब्बा, इसकी पैकिंग जो है गाइज बहुत ही ऑसम और बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। सो गाइज, ये है वो सरप्राइज जिसके लिए मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था। एंड प्राइस नहीं बताऊँगा, प्राइस तो आप लोगों को पता ही होगा। सो इसके मैं फीचर्स के बारे में बता देता हूँ एंड आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से बता देता हूँ। सो गाइज, ये देख सकते हो सोनी में IMX766 OASN कैमरा लगा हुआ है सोनी का। और गाइज, इसमें डायमेस्टिक 920 5G प्रोसेसर है जो कि बहुत ही अच्छा है, 5G का सबसे अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। एंड 60 वाट का सुपर डार्ट चार्जर गया है, जो कि गाइज मैं बता दूँ कि ये जो है मेरा फ़ोन, ये मिनिमम 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। एंड 90 आवर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है गाइज, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, समझ रहे हो गाइज, बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। एंड ये 5G फ़ोन है। और गाइज, मैं इसके बारे में और कोई आपको अंदर से अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि हाँ क्या है, कैसे है। तो चलो बताता हूँ। डब्बे की अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड गाइज, ये देख सकते हो कितनी ऑसम पैकिंग की गई है। एंड सो गाइज, ये देखो, ये है कवर इसका, जिसके अंदर इसके कवर आता है, जो कि मैंने मोबाइल लगा दिया है, डार्ट टू लैप, एंड अमेजिंग कवर है। एंड गाइज, ये फ़ोन के बारे में दिया गया है। एंड गाइज, ये सब चीज़ फ़ोन के बारे में दिया गया है, सारा कुछ फ़ोन का ही है। सो चलो मेन स्टार्ट करते हैं। खोलते ही आपको मिलेगा अमेजिंग सा चार्जर गाइज, ये जो कि मिनिमम एक डेढ़ मीटर का होगा। एंड ये है बहुत ही हैवी सा चार्जर, देख सकते हो सुपर डायरेक्टर 60 वाट का चार्ज कर, 60 वाट का। और इसकी वेट भी है मिनिमम, मुझे लगता है 150 या 200 ग्राम तक होगी, बहुत ही ज़्यादा वेट है। एंड गाइज, बस इसके अंदर यही मिलता है एंड उसका डब्बा खाली एंड फ़ोन मिलता है, जो मैं अभी दिखाता हूँ आपको फ़ोन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। मेरे पहले वाले फ़ोन से मैं वीडियो शूट करूँ अभी और देख सकते हो कैसा अजीब सारा, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। एंड ये है कवर गाइज। एंड अब जो है गाइज, वो निकलेगा सरप्राइज़ जिसका वेट आप और हम दोनों कर रहे हैं, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। सो गाइज, ये रहा मेरा प्रीमियम सा, सो गाइज ये रहा मेरा प्रीमियम सा फ़ोन, जो कि बता दूँ मैं आपको सनलाइट कलर है। एंड गाइज, ये बता दूँ मैं, ये इस कलर के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं 2-3 दुकान घूमनी पड़ी थी मुझे। एंड गाइज, ये देख सकते हो, वाओ ऑसम। एंड गाइज, आगे से लुक देखो गाइज, आगे से। सो गाइज, ये देखो ओपन होने पे, वाओ ऑसम गाइज। सो गाइज, मैं अभी इस फ़ोन से उस फ़ोन पर शिफ्ट होता हूँ एंड फिर मैं आपसे बात करता हूँ। गाइज, फाइनली मैं उस फ़ोन से इस फ़ोन पर शिफ्ट हो गया हूँ। एंड गाइज, अब बताना आप लोगों को कि कैसा लग रहा है ये वीडियो क्वालिटी। एंड मुझे तो आई थिंक बहुत ही ऑसम लग रहा है। एंड गाइज, ये है कि यार अभी हमारी लिमिट जो है, जितना लिमिट है उतने को, उस हिसाब से तो फ़ोन बहुत ज़्यादा ऑसम है। एंड गाइज, मैं बता दूँ अभी तक के रियलमी का ये 25 and 30 thousand जो है सबसे प्रीमियम क्वालिटी का सबसे बेस्ट फ़ोन है, जो कि मेरे पास आ चुका है फाइनली। सो गाइज, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आप लोगों को कुछ फोटोज़ एंड कुछ वीडियोज़ भी दिखाऊंगा इसका, गिरूँगा नाइट मोड पे भी एंड दिन का भी। सो चलो मैं आपको पहले रिव्यू देता हूँ एंड अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कि हाँ कैसी वीडियो क्वालिटी है, कैसी फ़ोटो की क्वालिटी है। तो चलो चलते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मैं अपनी छत के सबसे ऊपर वाले पे आ गया हूँ, फ्लोर पे। एंड आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ गाइस, ये देखो दिन का है फुल लाइट में गाइस, ये देखो ऑसम, देखो वीडियो क्वालिटी क्या प्रीमियम क्वालिटी आ रही है गाइस, ये देखो गाइस वीडियो क्वालिटी देखो गाइस।
एंड गाइज मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ब्लर क्वालिटी में भी इसकी वीडियो शूट होती है, सो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सो देखो। सो गाइज फाइनली आप लोग देख सकते हो कि ये वीडियो जो है थोड़ी बहुत ब्लर में शूट हो रही है। एंड गाइज मैं तो देखता हूँ कि पूरी वीडियो ब्लर में शूट होती है, एंड मैं इसका नाइट मोड भी दिखाऊंगा। सो बताना आप लोगों को कैसी वीडियो लग रही है, इसकी क्वालिटी एंड कैसा है फ़ोन का कैमरा। गाइज मैंने तो सबसे पहले इसे फ़ोन को कैमरे की वजह से परचेज किया है ताकि मुझे अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिले। सो बताना आप लोगों को कैसा लगा। इसे गाइज 50 मेगापिक्सल कैमरा है, बट इतना तगड़ा कैमरा है गाइज सोनी का, जिसका कैमरा आप लोग आईफोन में भी देख सकते हो मिलता है। सो चलो गाइज नीचे चलते हैं एंड नाइट मोड का भी कुछ शॉट लेंगे, एंड फिर आपको मैं पूरा अच्छे तरीके से ब्लॉग दिखाऊंगा गाइज। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना गाइज। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं रात के 8 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, और रात वो गाइज मैंने फ्लैश नहीं चलाया क्योंकि यहाँ पर लाइट है, सो इसका ही है। और गाइज ये देखो वीडियो क्वालिटी देखो गाइज गजब। यानी गाड़ी अगर फ्लैश जला दूँ मैं तो आप देख सकते हो कि थोड़ी वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा कैरी हो जाएगी। ये देखो गाइस, ये देखो इतनी तगड़ी गाइस कैमरा, बहुत ही तगड़ा गाइस, रात या दिन हो बहुत ही तगड़ा है। अभी देख सकते हो कि मैं फ्रंट कैमरे से सेल्फी कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो कि ये देखो सेल्फी कैमरा भी बहुत औसम है। सो कि आप लोग देख सकते हो जैसा कि है तो 16 मेगापिक्सल बट बहुत ही ग्यारह, क्योंकि सोनी का मेगा दोनों साइड लगा कैमरा, तो इस वजह से बहुत ही तगड़ा है। ये देखो गाइस, ये मेरे पहले वाले फ़ोन तो बहुत तगड़ा है गाइस एंड बहुत ही अच्छा है। लिमिटेड अगर देखो ना कि हाँ 30,000-25,000 तक के अच्छे फ़ोन हो तो भाई रियलमी 9 प्रो प्लस बेस्ट फ़ोन है, सो परचेज आप भी कर सकते हो गाइस। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने आपको सब चीज़ के बारे में अच्छे से बताया एंड दिखाया। सो आप लोग बताने ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि मेरा कोई भी नया ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।